नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको संदेश खली लेकर चलेंगे जिसने शाहजहां शेख से प्रतिशोध की सौगंध खाई है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी संदेश खाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक रैली करने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले संदेश खाली की महिलाओं ने उनसे संपर्क करने की बड़ी तैयारी की है। इस पर हम आपको गम और गुस्से से भरी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। फिर अगली खबर उन न्यूज मित्रों के लिए जो रेस्टोरेंट में जाकर लंच या डिनर के बाद माउथ फ्रेशनर खाते हैं। गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर के नाम पर जो दर्दनाक घटना हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है, जहां 5 लोगों को माउथ फ्रेशनर मांगने पर वेटर ने कुछ ऐसा दे दिया जिसे खाते ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। इसके बाद हम आपको महाकाल के दर पर पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से मिलवाएंगे। वैसे तो आज राहुल गांधी भगवान के दरबार में गए थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने भगवान राम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर नई सियासी चिंगारियां निकली हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर आपको उस अंडरवाटर मेट्रो के सफर पर लेकर चलेंगे जो हावड़ा से कोलकाता के बीच चलने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जिसे हुगली नदी की गहराई को चीर कर बनाया गया है। उसी मेट्रो के अंदर से रिपोर्टर रील भी तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले आज यूपी कैबिनेट का विस्तार हो गया और योगी मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनके नाम है ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान। लेकिन इन नामों के साथ जुड़े वोट का वजन कितना है ये भी देखिएगा। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने तमिलनाडु से ओडिशा तक परिवारवाद पर सीरियल स्ट्राइक की। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी के लिए नेशन फर्स्ट। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। आज उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा वो बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बंगाल में टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं उसी संदेश खाली के साथ, जहां टीएमसी के शाहजहां शेख के खिलाफ प्रतिशोध की नई आग भड़की हुई है। और यह मामला अब बंगाल में 2024 वाली राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? आगे हम लोग सब माँ बहने चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। पैर दबाने की बहाने, मतलब मसाज की बहाने, ऐसे बहाने कर करके बुलाते थे लड़कियों को। संदेश खाली की बहने इंसाफ की गुहार लगाती रही। এখানে যে কি অত্যাচার করেছে শিবুহাজরা আর এই স্থান তিন স্থানে পুরা ভরসা পুরা সাপোর্ট রয়েগা হম লোগোঁ কো উপর তো হম লোগ জরুর যায়েঙ্গে পুরা দেশ দুঃখী হ্যায়। আর জোর কা জবাব। तो जैसे जैसे संदेश खाली के क्रूर शेख पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, शेख के शिकार महिलाओं में इंसाफ की आस बढ़ती जा रही है। शेख पर आज भी कानून का हंटर चला, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के सौजन्य से। शेख पर बढ़ते कानूनी दायरे में मुख्य भूमिका शुरू से कलकत्ता हाईकोर्ट की रही है। आज भी उसकी एक झलक देखने को मिली जब हाईकोर्ट के आदेश पर शेख को जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इसे सिर्फ शेख ही नहीं बल्कि ममता सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पहले दिन से ममता सरकार पर शेख पर ममता दिखाने के आरोप लगा रही। बीजेपी के आरोप और भी ज्यादा धारदार तब साबित हो गए जब बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को शाहजहां शेख को गुप्त तरीके से गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद फौरन टीएमसी ने शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान शेख की दबंग चाल, विक्ट्री साइन वाली शेख ही कहीं ना कहीं सियासी संरक्षण के संकेत दे रही थी। हालांकि अब शेख पर लगा कानूनी ग्रहण और भी गहरा हो चुका है, क्योंकि शेख का एक एक सच सामने आने लगा है। सीबीआई शेख की जुबान से वो सच निकलवाएगी जो अब तक सामने नहीं आए। वैसे तो शाहजहां शेख के खिलाफ जमीन हड़पने, यौन उत्पीड़न समेत 42 मामले दर्ज हैं, लेकिन पूछताछ करने गई ईडी की टीम पर शेख समर्थकों के हमले के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया और शेख की मुसीबतें बढ़ती चली गईं। आज भी हाईकोर्ट ने ईडी की टीम पर हमले के मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया।
दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवाज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान ईडी, राज्य सरकार और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शाहजहां शेख और ये केस दोनों को सीबीआई को सौंप दिया जाए। किसी भी वक्त शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में ले सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने राज्य पुलिस पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि शेख के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, वर्षों से इन पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 5 जनवरी को संदेश खाली में जब लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया तो इस मामले में पुलिस अचानक तत्पर हो गई और ईडी की एफआईआर के बावजूद जानबूझकर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप दी थी। सत्ता के न्यूज मित्रों को पहले भी पीड़ितों की आवाज हम सुना चुके हैं, जिसमें वो कह रही थी कि शेख कैसे यहां की महिलाओं को अपने घर जबरदस्ती बुलाता था, उसका फरमान नहीं मानने पर गुंडागर्दी करता था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम संदेश खाली के पात्रापाड़ गांव में उन पीड़ितों के बीच पहुंची जिन्हें अब पीएम मोदी से इंसाफ की उम्मीद है, जो पीएम मोदी से शेख की शिकायत करने जाएंगी। आपको बता दें कल दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी की चुनावी रैली है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी उनकी बातें सुनेंगे और दोषी को कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। सिर्फ यही नहीं, टीवी 9 से बातचीत में महिलाओं ने शेख के और भी संगीन अपराधों के बारे में बताया। इन महिलाओं के नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इन महिलाओं की आवाज हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये इनका हक है और सत्ता का मूल मंत्र भी है, आपका हक, आपकी आवाज। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद शेख शाहजहां का पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और महिलाओं से मिलेंगे जो पीड़ित हैं। मैं इस वक्त संदेश खाली में मौजूद हूं। ये जो आम इंसान है, इन औरतें हैं, इनका जो जमीन है, खुद का जो किसी का जमीन है, वो भी इनका हड़प लिया गया, खारा पानी घुस डाल दिया गया उसमें। आगे हम लोग सब माँ बहनें चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। आप लोग जब मोदी जी से मिलेंगे तो ये सब बात रखेंगे? हाँ, जरूर रखेंगे। हमारे साथ जो भी हुआ है, रात को 12 बजे तक बुलाया जाता, कभी भी बुलाया जाता था लेडीजों को, खाना बनाने की बहाने, पैर दबाने की बहाने, मतलब मसाज की बहाने, ऐसे बहाने कर करके बुलाते थे लड़कियों को। हम चाहते हैं कि इसकी ये माँ बहनों को विचार होना चाहिए। खाना बनाने के रखा था तो बुला के वहाँ पे इनको रखते थे, घंटों तक बिठा के रखता था। खाबड़े की जो बांट होता है उससे मार पिटाई होते थे, अगर ना जाए तो पतियों को पकड़ पकड़ के मारते थे। की बोलबो प्राइम मिनिस्टर की बोलबो तुम जमीन बोलबो अरे सब तो जमीन हरी पीली हां केटा शेख शाहजहां महिलाओं का आरोप है कि इनके घर के कागजात नहीं थे तो इनकी जमीन हड़प ली, घर हड़प लिया और वो सब कुछ किया जिसके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते थे। तो निश्चित रूप से शेख शाहजहां के जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो महिलाओं का कहना है कि हम जाएंगे और प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखेंगे। प्रधानमंत्री के पास हम उन्होंने वार्ता देगा तो हम लोग जा पाएंगे, उनकी पूरा भरोसा, पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग जरूर जाएंगे। उनका ऊपर पूरा भरोसा है हमारा।